बेबे बात ऐसी नहीं है। अभी तक हमें जितने भी प्रूफ्स मिले थे उससे यही साबित हो रहा था कि गुनेगार कोई औरत ही। और इसलिए इसे लगा कि वो औरत मैं हूं। इसने वो नोट लिखा मेरे लिए और पैसों के साथ मुझे वहां बुलाया। मैंने भी सोचा कि आज इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन इसने मुझ पर हमला किया। पता नहीं कोई ऐसी चीज फेंक कर मारे कि मैं गिड़गिड़ाकर चल गई। निकलने लगा, लेकिन इसे कुछ पड़ी नहीं थी, ये बस मुझे धमकाने लगी। अनशन बोलने लगी, पता नहीं क्या क्या, इस बस पैसों की पड़ी थी। मैंने भी सोचा कि इतनी लालची है पैसों की, इसके मुंह पर पैसे फेंक के मार दूं। मैं वहां से निकल गई। इसे लगा कि मैं इसका सच सबको बता दूंगी, इसलिए इसने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे ट्रक के आगे धक्का दे दिया। क्या बोल रही हैं आप? बेटा, हम दोबारा ये सब नहीं होने देंगे। तुम ये गलती दोबारा मत करना बच्चा, मत करना। क्या बोल रही हैं आप मैम? यही कि तुम प्रियंका की तरह ही लालची लड़की हो, पैसों के पीछे पड़ी हो तुम, इसलिए तुमने ये सब किया है। बेटा आंखें खोल के देख, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। वही धमकियां, वही हालात, वही सब कुछ। बस इस बार प्रियंका की जगह अमृता है।